नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका नया जो पेपर है, बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्लांट ऑफ माइक्रोब्स, इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट एंड माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये तो जो है हमारा पेपर है, पेपर नंबर 10, जो कि एमएससी फाइनल बोटनी के लिए है ये। ठीक है, एमएससी फाइनल बोटनी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ले लें हम यहाँ पर, जैसे कि UOR ले लो आप, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ले लो, RRBMU ले लो। ठीक है, RRBMU में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा PDU के अंदर जो पढ़ते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी PDU में। ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी भरतपुर की जो ब्रज यूनिवर्सिटी है, ब्रज यूनिवर्सिटी, उसके लिए, सभी के लिए ये जो है कोर्स जो है कंप्लीट एप्लीकेबल है, क्योंकि सबको, जितनी भी यूनिवर्सिटी है इधर, RRBMU, PDU या ब्रज यूनिवर्सिटी, वो सब की संबद्धता जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से है। तो अभी फिलहाल उनके अंदर केवल ये की कोर्स चल रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। तो आप इस कोर्स को हमारे ऑफिशियल ऐप एग्जाम एटूचैट से जो है बाय कर सकते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर में आप, ये लोगो है हमारा, इसको देखें और एग्जाम एटूचैट जो है इस तरह से आप उसके अंदर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। जब आप कोर्स बाय कर लें, मतलब जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको जाना पड़ेगा स्टोर के अंदर। ठीक है, और स्टोर में आपको ये ऐप, ये जो आपका कोर्स है, जो भी कोर्स आपको खरीदना है वो वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, स्टोर के अंदर आपके वहाँ पर स्टोर खुलेगा, तो वहाँ पर जो भी कोर्स आपको अवेलेबल है, आप उनमें से कोई सा भी कोर्स जो है वो बाय कर सकते हैं। और सभी कोर्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और जो है वेल डिफाइंड कोर्स है। दूसरी बात, अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं सभी में, वीडियो जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फुल सिलेबस जो है इसके अंदर कवर है, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, नोट्स जो कि हम जो यहाँ पढ़ाएंगे आपको ऑनलाइन, वो नोट्स अवेलेबल होंगे। उसके अलावा प्रिंटेड नोट्स की PDF होगी, जिनको आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, वो अवेलेबल होगी यहाँ पर। तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो अब तक आए हुए हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर 5 ईयर के, वो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे और उनको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पुटअप होता है। तो उस तरह से आप जो है स्मार्ट और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने ये कोर्स ज़रूर बाय किया हुआ है, इसीलिए आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा नया कोर्स, जो कि है MSc फाइनल बोटनी के लिए, और पेपर नंबर 10 ये सिलेबस के अंदर अवेलेबल है। तो आप सिलेबस मिला लें, स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपको सिलेबस का PDF दिया हुआ है, अपने यूनिवर्सिटी से आप सिलेबस मिला लें। अगर आपको लगता है कि ये सिलेबस हमारे यूनिवर्सिटी में है और सारे कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। और कोर्स का जो फीस है वो बहुत ही कम रखा गया है, ताकि जो बच्चे, जैसे कि कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज इसके अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास जो है फीस जो है वो देने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो भी कम से कम फीस में इसका उपयोग कर सकते हैं और अच्छे नंबर लेकर यूनिवर्सिटी में अपना जो है नाम रोशन कर सकते हैं, अच्छे नंबर आए आपके। इसी शुभकामना के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे इस कोर्स की जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एक कोर्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आप देखोगे शुरू में ही जो है आपका टॉपिक लिखा हुआ है, बेसिक कंसेप्ट और उसका हिस्ट्री। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है बायोलॉजी का, या बायोटेक्नोलॉजी का? बेसिक कंसेप्ट एंड हिस्ट्री, ये दो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर, मतलब आज का जो वीडियो होगा आपका, ये बेसिक कंसेप्ट और हिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी का कि वो क्या है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये बेसिक कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम के अंदर, व्हाट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कोर्स को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया गया है, तो दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो भी जल्दी से ही इंग्लिश सीख जाएंगे, पढ़ते पढ़ते आप इंग्लिश सीख जाओगे और आप इंग्लिश में ही लिख पाओगे। ठीक है, वैसे लिखा गया सब कुछ इंग्लिश में है, लेकिन समझाया गया पूरा प्योर हिंदी में है। ठीक है, तो इससे आपको कोई समस्या नहीं रहेगी।
देखिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें हम, बायोटेक्नोलॉजी की। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो तरह के शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक बायो और दूसरा टेक्नोलॉजी। एक शब्द है इसके अंदर बायो और दूसरा जो शब्द है वो है टेक्नोलॉजी। तो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को किसी टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर, ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग सिस्टम, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग सिस्टम। और लिविंग सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर लिविंग सिस्टम से मतलब होता है आपका प्लांट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एनिमल इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और साथ ही हम यहाँ पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन बायोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करके और टेक्नोलॉजी का सम्मिश्रण करके, यानी कि टेक्नोलॉजी को इसके साथ मिलाकर जो भी नए यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे ही कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो लिविंग सिस्टम प्लस टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, लिविंग सिस्टम का इस्तेमाल करके हम जो यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट, जो यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे ही कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे और यूजफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और इसे पूरी बुक को पढ़ने पर हमारा उद्देश्य मेन मेन होगा यूजफुल प्रोडक्ट। और ये यूजफुल प्रोडक्ट किसके लिए, ह्यूमन के लिए। किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनका, ह्यूमन के लिए। ह्यूमन के लिए किसी न किसी, चाहे डायरेक्ट तरीका हो चाहे इनडायरेक्ट तरीका हो, मानव के लिए यूजफुल होना चाहिए और एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट को तैयार करना ही बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लिविंग सिस्टम यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि प्लांट है, एनिमल है और माइक्रोब्स है, दूसरा टेक्नोलॉजी का। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसके लिए यूजफुल हो, ह्यूमन के लिए और एनवायरमेंट के लिए हानिकारक ना हो, ऐसे प्रोडक्ट को मान्यता देती है गवर्नमेंट, और इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसकी शुरुआत हुई थी, वैसे तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो पुराने ज़माने से चली आ रही है। कब से चली आ रही है, जब से हमारा सिविलाइजेशन हुआ है। सिविलाइजेशन का मतलब जब से हमारी सभ्यताएं बनी हैं, हम सभ्यताओं के अंदर आए हैं, हमने रहना सीखा है, समूह में रहना सीखा है, ठीक है, शिकार करना, खेती करना, ये सब चीज़ें जो हमने स्टार्ट की है मानव ने, उसके बाद से ही बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई, मतलब वहीं से स्टार्ट हो रही है। हमने महाभारत रामायण में भी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे कि महाभारत के अंदर या रामायण के अंदर आपने देखा होगा, महाभारत के अंदर ज़्यादा देखा गया है कि कृष्ण जो है वो दही और माखन खाते थे। तो सीधा सीधा मतलब है कि दही जो होता है वो एज ए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, कहने का मतलब उसको बायोटेक्नोलॉजी वाले प्रोसीजर के द्वारा ही बनाया जाता है। दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाने के लिए उसमें दूध में क्या डाला जाता है, जामन डाला जाता है, तो दूध के अंदर जो जामन डाला जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी में कहलाता है इनाकुलम, ठीक है। और जो दूध होता है वो सब्सट्रेट होता है, और उसमें वो एंजाइम के रूप में आप समझ सकते हो, या फर्मेंटर के रूप में, या फिर एज ए आप इनाकुलम के रूप में उसमें जामन डाला जाता है, और कुछ समय बाद उसमें फर्मेंटेशन प्रोसीजर होता है और जो है दही बन जाता है। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर है, ठीक है। आपने ये कुछ उदाहरण ऐसे देखे होंगे महाभारत के अंदर ही, जैसे कि गांधारी जो थी वो उसके 100 संतानें थी, तो आपको पता होगा कि किसी भी जो महिला होती है वो 100 संतानें पैदा नहीं कर सकती, लेकिन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस उस समय पर अपनाया गया, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर, उसके थ्रू गांधारी ने 100 संतानों को जन्म दिया। क्योंकि आपको पता है कि जो गांधारी थी उस गांधारी के गर्भ को काट कर घड़ों के अंदर भर दिया गया था, और उन घड़ों से छोटे छोटे बच्चे बने थे 100, जो कि कौरवों के 100 पुत्र कहलाए थे। ये कहानी आपने सुनी होगी, तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि उस जमाने से बायोटेक्नोलॉजी चली आ रही है। तो ये हमारी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी, आज भी हम वैसा ही करते हैं। आज हम टिश्यू कल्चर करते हैं, तो टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का छोटा सा पार्ट निकाल कर और उसे पूरा ऑर्गेनिज्म बना देना, ये टिश्यू कल्चर होता है। और यही उन लोगों ने उस समय किया था, गर्भ को काट कर छोटे छोटे घड़ों में भरकर और नए शिशु उत्पन्न कर दिए। अब वो कैसे किए गए, उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी, वो शायद हमसे अलग थी, लेकिन थी ऐसे ही, प्रोसीजर सेम थे, कुछ ना कुछ चीज़ें उनके अंदर सेम थी। जैसे उन्होंने घड़ों का इस्तेमाल किया, आज हम टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने क्या मीडिया इस्तेमाल किया था ये तो उनको पता है उस ज़माने में, हमें पता नहीं है, हम भी उसकी खोज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी उस ज़माने से चली आ रही, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है हमारी, जिस टेक्नोलॉजी की आज हम बात कर रहे हैं, जिसको आप पढ़ेंगे इस पूरे
प्रोसीजर के अंदर, इस पूरी बुक के अंदर, वो टेक्नोलॉजी है हमारी स्टार्ट हुई थी आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, यानी कि जब हमने ह्यूमन का इंसुलिन बना लिया था, मानव के अंदर बनने वाला इंसुलिन जब हमने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया, तभी से हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है ये किसने दिया, आई कहाँ से ये बायोटेक्नोलॉजी टर्म। तो बायोटेक टर्म जो है, बायोटेक टर्म ये हमारे पास आई है कहाँ से, आई है कार्ल इरेकी से। कार्ल इरेकी एक साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले ये बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी है हमें। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन है, तो कार्ल इरेकी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पर केवल बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है ना, तो देखिए अब डेफिनेशन की बात करें हम यहाँ पर, तो अलग अलग जगह से हमें अलग अलग डेफिनेशन जो है वो मिले हैं डेफिनेशन। ठीक है ना, जैसे कि कार्ल इरेकी द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है उसकी पहले हम बात करें डेफिनेशन में, तो ऑल लाइव, समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि डेफिनेशन जो होती है जैसा उन लोगों ने कहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा कहा गया है, और उसको हम याद रखने की भी कोशिश करेंगे किसने क्या कहा, क्योंकि जिसने जो शब्द बोले हैं उनको थोड़ा सा हमें उसी कंसर्न में लेना पड़ता है, एज इट इज़ लेना पड़ता है, चाहे आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो लेकिन उसे एज इट इज़ ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो जो परिभाषाएं लोगों ने दी है हमें उन्हें वैसा का वैसा ही ले तो ज़्यादा बेटर होता है, कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफाई हम कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना है, अगर डेफिनेशन पूछी जाती है बायोटेक्नोलॉजी की तो दो नंबर में कैसे पूछी जाएगी। तो मान लीजिए कार्ल इरेकी के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ ए बायोटेक्नोलॉजी, तो ऑल लाइव ऑफ वर्क, ठीक है, यानी कि जो भी जीवित कार्य हम कर रहे हैं बाय विच प्रोड्यूस, बाय विच प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, ऐसे लाइव कार्य या जीवित कार्य या प्रेजेंट में होने वाले वर्क जिनके द्वारा आप किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फ्रॉम किससे, फ्रॉम रॉ मटेरियल, फ्रॉम रॉ मटेरियल विद द एड ऑफ लिविंग थिंग्स, विद द एड ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जीवित वस्तुओं की सहायता से, लिविंग थिंग्स का मतलब जीवित वस्तु, जीवित वस्तुओं में हमने देखा कि प्लांट्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं और एनिमल आते हैं, जीवित थिंग्स की सहायता से, जब आप जीवित थिंग की सहायता से किसी रॉ मटेरियल के, रॉ मटेरियल का उपयोग करके जब आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसे कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कहा था किसने, कार्ल इरेकी ने, समझ में आई बात। अब एक और परिभाषा है हमारे पास में जो बहुत ही मान्यता प्राप्त परिभाषा है, जो कि दी है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक ने। ठीक है, तो ये भी बहुत सी बार पूछ ली जाती है कि यूरोपियन फेडरेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की, उसने क्या परिभाषा दी है, यूरोपियन फेडरेशन, ध्यान रखना है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, बायोटेक। ठीक है, और इसको बोला जाता है EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक। इसने जो परिभाषा दी है बायोटेक्नोलॉजी की वो दी है क्या, इट इज़ ए इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग साइंस। ठीक है, तो यूरोपियन फेडरेशन के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड जीनेटिक इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग साइंस। इंजीनियरिंग साइंस का, बायोकेमिस्ट्री का और माइक्रोबायोलॉजी का एक साथ उपयोग करके हम जो यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे ही कहते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। ये कहा है किसने, यूरोपियन फेडरेशन, किसने कहा है, यूरोपियन फेडरेशन ने कहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, यूरोपियन फेडरेशन ने कहा है ये हमसे कि अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जेनेटिक साइंस का, ठीक है, किसी साइंस का और बायोकेमिस्ट्री का, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इसे कहा जाता है
बायोटेक्नोलॉजी, ये कहा है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक ने, ठीक है। जापानीज बायोटेक, क्योंकि जापान में भी काफ़ी जो है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हुई है, इसलिए जापानीज बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है। तो पहले हम जापानीज की बात करते हैं, जापानीज बायोटेक, ठीक है। जापानीज बायोटेक ये क्या कहती है हमसे, ये कहते हैं, जापानीज बायोटेक्नोलॉजी कहती है, ए टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम ए टेक्नोलॉजी यूजिंग बायोलॉजिकल फेनोमेना, बायोलॉजिकल फेनोमेना, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप किसी बायोलॉजिकल वस्तु का इस्तेमाल करते हैं फॉर फॉर कॉपिंग कॉपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग वेरियस वेरियस काइंड ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, काइंड ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट या सबस्टेंस, ठीक है। यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम किसी बायोलॉजिकल फिनोमेना, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके उसकी कॉपी करते हैं या उसको बनाते हैं, ठीक है, किसी यूजफुल प्रोडक्ट को बनाते हैं या उसकी कॉपी करते हैं, इसे ही कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि हम बात करें कि हम क्या करते हैं जनरली बायोटेक्नोलॉजी में, हम क्या करते हैं आज के मॉडर्न, पहले तो पुरातन की बात करें, अगर हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जैसे कि चीज़ बनाते हैं, दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, ये सब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि इनाकुलम करते हैं, उसका फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रोसीजर, ठीक है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम ये करते हैं कि हम कोई डीएनए लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक सेकेंड, जैसे कि हम क्या करते हैं कि कोई प्लांट है और उस प्लांट का क्या करते हैं, हम डीएनए आइसोलेट करते हैं, इस तरह से कोई प्लांट है और उसका हमने क्या कर लिया, ये डीएनए यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो डीएनए हमने यहाँ से निकाला, इस डीएनए से हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाते हैं, इसको काट कर छोटे छोटे फ्रेगमेंट इस तरह से तैयार कर लेते हैं। अब इसी डीएनए को हम क्या करते हैं, दूसरे किसी और दूसरे डीएनए के साथ में क्या करा देते हैं, इंटीग्रेटेड करा देते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये डीएनए, यहाँ पर दूसरा डीएनए हम बनाते हैं, इस तरह का ही दूसरा डीएनए हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, ये हमने यहाँ पर दूसरा डीएनए ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए के जो फ्रेगमेंट हमने बनाए थे, इन फ्रेगमेंट को इस डीएनए के साथ में बाइंड कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आए। तो ये जो फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरे डीएनए के साथ में बाइंड कर देंगे, मतलब हम इसको यहाँ पर अटैच करा दें। अगर हम इसको यहाँ पर अटैच करा देंगे, इसको हटाकर इसकी जगह पर ये वाला फ्रेगमेंट यहाँ अटैच करा देंगे, तो ये भी जो प्रोडक्ट, ये वाला सेगमेंट, मान लें ये वाला सेगमेंट है ये, ठीक है ना, ये वाला सेगमेंट है ये, तो अगर मान लो ये एक्स प्रोडक्ट बनाता था तो ये भी क्या बनाने लग जाएगा, एक्स प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा जब हम इसको किसी वेक्टर के अंदर डाल देंगे। तो अब ये डीएनए भी इस एक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगे। तो हमने क्या किया, इस जीन की कॉपी कर दी, यहाँ पर कर दी ना, मतलब ये जो जीन था इसकी कॉपी किसमें कर दी, यहाँ पर कर दी, और इसका मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सारी कॉपीज हमने यहाँ पर बना ली इस बैक्टीरिया के वायरस की, या जो भी था ये डीएनए, इसकी हमने इस तरह से बहुत सारी कॉपी बना ली। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉपी कर लिया और कॉपी की हमने, और उससे क्या बनाया, नया प्रोडक्ट बनाया। तो ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी होती है इस तरीके से। तो ये जापानीज के अकॉर्डिंग हम इस तरह से करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो सभी चीज़ें होती है, आप इसको जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर को किसी भी कंसर्न में ले सकते हैं। कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन किसका इस्तेमाल करके, एनिमल मतलब जीवों का, ऑर्गेनिज्म का, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें कोई भी नया प्रोडक्ट बना लेना है, ठीक है। अब नेशनल साइंस फाउंडेशन, क्योंकि ये भी एक उच्च संस्था है हमारी, देखिए बायोटेक्नोलॉजी में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सबसे उच्च संस्था है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी क्या ही के लिए ही उस संस्था का निर्माण किया गया था। इसके अलावा क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है, साइंस के अंदर होती है, तो इसलिए नेशनल साइंस फाउंडेशन की परिभाषा भी हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसकी नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन की परिभाषा, ठीक है, नेशनल नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन की जो परिभाषा है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि उन्होंने क्या परिभाषा दी है हमारे लिए। तो इनकी परिभाषा की बात करें तो इसके अनुसार, नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार,
जो परिभाषा है वो है द कंट्रोल्ड यूज्ड ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट फॉर बेनिफिशियल यूज। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप कंट्रोल्ड यूज करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट का, ठीक है। मतलब नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी विधा है जिसके अंदर आप बायोलॉजिकल एजेंट का कंट्रोल्ड यूज करके, अनकंट्रोल नहीं, कंट्रोल यूज करके, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके या कोशिकाओं का इस्तेमाल करके या सेलुलर कंपोनेंट का, कोशिकाओं के जो उत्पाद है उनका इस्तेमाल करते, कोशिकाओं में पाए जाने वाले चीज़ों का इस्तेमाल करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, या उनका बेनिफिशियल यूज़ कर रहे हैं, तो उसे ही कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। किसके अकॉर्डिंग? नेशनल साइंस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो, हमने अभी तक की जो भी जितनी भी परिभाषाएँ देखी उनमें और भी देखेंगे, अभी और चलेंगे हम, दो परिभाषाएं और हैं हमारे पास में। सबसे पहली डेफिनेशन दी हमें कार्ल लीरेकी ने कहा कि आप किसी भी प्रोडक्ट का या उसका फॉर्मेशन करना किसके द्वारा? लिविंग थिंग्स के द्वारा किसी नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ने कहा कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंस तीनों को मिला दें तो आपकी बायोटेक्नोलॉजी बन जाएगी। जापानी साइंटिस्ट बोलते हैं कि बायोलॉजिकल फिनोमेना के साथ में हम जब किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसी प्रोडक्ट की कॉपी करते हैं या उसको नया बनाते हैं तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब नेशनल साइंस फाउंडेशन हमसे कहता है कि आप बायोटेक्नोलॉजी का कंट्रोल यूज, बायोलॉजिकल एजेंट जो हैं या बायोलॉजिकल जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सेल है या सेल के कंपोनेंट है, उनका कंट्रोल यूज करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है। अब इसी के साथ में IUPAC जो संस्था है, आपने सुना होगा नाम इसका, IUPAC जो संस्था है, ज़्यादातर ये केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर भी हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये संस्था भी यहाँ पर हमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताती है कि बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा इनके अनुसार क्या है। तो इनके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा है द एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, देखिएगा बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, किसका एप्लीकेशन? बायोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन, बायोलॉजी का एप्लीकेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है, एंड ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। मतलब बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिकल एनर्जी और का इस्तेमाल करते हुए, मतलब उनके एप्लीकेशन करते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा और इंडस्ट्रियल प्रोसेस या उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के द्वारा आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई उत्पाद बनाते हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी, मतलब एनवायरनमेंट को हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, एनवायरमेंटल ऑन एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के ऊपर आधारित अगर कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं दी थी। इसके अलावा एक साइंटिस्ट है स्मिथ ने भी एक परिभाषा दी है हमें, किसके लिए? बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो ये स्मिथ की परिभाषा भी बहुत सी बार पूछ ली जाती है कि स्मिथ के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी है स्मिथ के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिटेबल मटेरियल,
ठीक है, ये परिभाषा दी है हमें किसने, स्मिथ ने। तो स्मिथ क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिटेबल मटेरियल। कहने का मतलब है कि ऐसा हेरिटेबल मटेरियल बनाना, नया हेरिटेबल मटेरियल बनाना जिसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जा सकता है, वो बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में कई तरह की चीज़ें की जाती है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी तरह की चीज़ें जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, हालांकि हम इसके अंदर जो करेंगे वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, और जो भी हम नया उत्पाद बनाएंगे वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई है कि आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नया प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन वो एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। उसमें आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और वो एनवायरनमेंट हेल्थी हो और मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो। अगर इन सारी परिभाषाओं का एक मतलब निकालें हम, तो ये निकल के आता है। ठीक है, अब ये चीज़ें शुरू कब हुई, कहाँ से हुई और कैसे कैसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर आगे बढ़े, उसके लिए हम बात करेंगे हिस्ट्री की, इतिहास की। ठीक है, तो हिस्ट्री और इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने केवल सीखा है परिभाषाएं क्या क्या हैं और बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या होती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इसकी क्या क्या डिस्कवरीज हुई है, और वैसे तो बहुत सारी हैं, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन हमने वीडियो के अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं का ही वर्णन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। तो आप क्या करें, आपको रेफर करना है कोर्स को, आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके और इसको खरीद सके। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ में गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।